अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां शुक्रवार को गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 कैंटर ट्रक पशु के अवशेष मांस को लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ जा रही है, जिन्हें कुछ लोगों के द्वारा एबीएस कट पर रोक लिया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर वो पहुंची और ट्रकों को कब्जे में लेकर थाने ले आई। इसके साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम को सूचित किया गया है, जिनके द्वारा अवशेष मांस का प्रशिक्षण किया जा रहा है। अवशेष मांस की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डासना की तरफ से 3 ट्रकों में कुछ मृत जानवरों के अवशेष लाए जा रहे थे, तो अपने ही विश्वहिंदू परिषद के कार्यकर्ता को वो जानकारी में आया, तत्काल उन्होंने उसकी सूचना लालकुआ पुलिस चौकी को दी, क्योंकि क्षेत्र वो दूसरे क्षेत्र में पहुंच चुके थे ट्रक, अनभिज्ञता जाहिर की गई चौकी के द्वारा। तत्काल उन्होंने सूचना रिपब्लिक क्रॉसिंग थाने को दी। पुलिस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की सहायता से वो ट्रक रोके गए और रोकने के बाद वहाँ पर अन्य संगठनों के जो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, अन्य संगठनों के कार्यकर्ता भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए और पुलिस और कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो गौ तस्करी का काम जो लोग कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। जांच के लिए पुलिस के माध्यम से उन ट्रकों को जब्त करते हुए वह जो मांस का अवशेष थे उनको सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। आज दिनांक 30/6/2023 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर यह सूचना प्राप्त हुई कि 3 कैंटर ट्रक पशु के अवशेष मांस को लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा एबीएस कट पे रोक लिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लेकर थाने पर लाया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम द्वारा अवशेष मांस का परीक्षण किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक ड्राइवर्स को थाने पे लाया गया है, उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है।